फरवरी 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास दो एक्सटर्नल एजेंसी से कंप्लेंट आती है, जिसमें उनके डीलर पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस डीलर पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने रिसेंटली मुंबई में कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है और कुछ लग्जरी कार्स भी खरीदी है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी। और कहा जा रहा है कि इसी लाइफस्टाइल की वजह से वो सबकी नजर में आ गए हैं और ये कंप्लेंट फंड हाउस तक पहुंची है। और ये फंड मैनेजर जिन पर ये आरोप लगे हैं उनका नाम है वीरेश जोशी। एम्बिशन बॉक्स के अनुसार एक फंड मैनेजर की एवरेज सैलरी है 18 लाख रुपीज और मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो वो 78 लाख रुपीज के करीब आती है। तो अगर आप इस सैलरी में फ्लैशी लाइफस्टाइल जी रहे हो और कई सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो तो आप कभी ना कभी तो नजर में आओगे ही। तो उन्होंने ये सब कैसे किया, इसके लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने उन पर फरवरी 2022 में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन मई महीने तक कुछ खास कंक्लूजन पर नहीं आया। अब सेकंड में 2022 को मनी कंट्रोल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये हिंट दी कि सेबी फ्रंट रनिंग के केस में एक फंड हाउस पर फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं और इस फंड हाउस के जो अक्यूज डीलर है वो मुंबई के नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब्स के रेसिडेंट है और मुंबई में अपने लैम्बोर्गिनी में घूमते नजर आते हैं। अब जैसे ही आर्टिकल बाहर आया उसके 2 दिन बाद ही यानी 4 मई को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने उनके फंड मैनेजर वीरेश जोशी और एक असिस्टेंट फंड मैनेजर दीपक अग्रवाल को फ्रंट रनिंग के आरोपों के लिए सस्पेंड कर दिया। अब वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल जिन फंड्स को मैनेज कर रहे थे उन 7 फंड्स के फंड मैनेजर बदल दिए हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में कई सारे सवाल आए होंगे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, ये पूरा मामला क्या है, ये फ्रंट रनिंग क्या होती है और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने क्यों एक्शन लेने के लिए मनी कंट्रोल के उस न्यूज आने का इंतजार किया। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जिस म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा म्यूचुअल फंड नहीं है, इंडिया का 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है जो लोगों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है। और साथ ही इस फंड को मॉनिस्टर इंडिया की तरफ से बेस्ट फंड का अवार्ड मिला है इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो आरोप लगा है फ्रंट रनिंग का वो एक्चुअली है क्या। मान लेते कि मैं कन्वी म्यूचुअल फंड नाम से एक म्यूचुअल फंड स्कीम चलाता हूं और आप उसके इन्वेस्टर हैं, और मान लेते कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, तो जो भी पैसा आप मेरे पास दोगे उन पैसों को मैं अलग अलग कंपनीज में यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। अब एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कुछ हजारों या लाखों रुपए में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। जनरली एक्सिस जैसे म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसमें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ और कई बार थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को वो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस किसी स्टॉक को मैं आज खरीदने वाला हूँ उसे मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने वाला हूँ, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में उस शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से बाइंग होती है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। अब ये चीज हर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को पता होती है। अब यहाँ पर इन दोनों फंड मैनेजर्स पर ये आरोप है कि इन्होंने फ्रंट रनिंग की है, यानी जो कोई स्टॉक इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने वाली थी उसे उन्होंने अपने जरिए अपने बाकी कुछ अकाउंट्स के जरिए पहले ही खरीद लिया, और उसके बाद जब उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तब उसकी शेयर प्राइस बढ़ गई और उन्हें फ्रंट रनिंग से उसका फायदा मिला यानी प्रॉफिट मिला। किसी भी फंड मैनेजर का काम है कि उनके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम करना, ना कि खुद के इंटरेस्ट में, क्योंकि कई बार फ्रंट रनिंग की वजह से उस म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ इस केस में एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि इस फ्रंट रनिंग से इन फंड मैनेजर्स को 200 करोड़ का गेन हुआ है। कई लोगों का मानना है कि अमाउंट इससे भी ज्यादा हो सकती है, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद रियल फिगर सामने आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इसके बारे में पता नहीं होता, इंडिया में ऐसे कई सारे केसेस पहले हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत स्ट्रिक्टली इन चीजों को कंट्रोल करती है। हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी में यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक डीलिंग रूम होती है जहां पर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट की जाती है। अब वहां पर किसी को भी एक्सेस नहीं मिलता है, साथ ही वहां पर कैमरेज लगे हैं, आपके कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं और फोन लेकर जाने की भी इजाजत नहीं होती। तो जब ऐसे कुछ प्रोविजंस है तो ऐसे आरोप इन फंड मैनेजर्स पर कैसे लगे, तो इसका जवाब है वर्क फ्रॉम होम। 5000 से ज्यादा स्टॉक्स, 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज और कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप कहेंगे कि इन सबसे अपडेटेड रहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब नहीं, और ये है इसका सलूशन, कन्वे ऐप। कन्वे ऐप एक शॉर्ट बिजनेस और फाइनेंस न्यूज ऐप है जहां पर आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते हैं शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में। इस ऐप के 3 मेन फीचर्स हैं। अब आपको फाइनेंस अपडेट रहने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अपडेट पढ़ सकते हैं सिर्फ 11 सेकंड्स में। दूसरा है, ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। और तीसरा, लाइट स्पीड अपडेट्स। वहाँ फाइनेंस की दुनिया में कुछ हुआ और यहाँ कन्वे ऐप पर उसका अपडेट मिल गया। दिस ऐप विल हेल्प यू टू स्टे अहेड इन द गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो तुरंत कन्वे ऐप इंस्टॉल कीजिए और स्वाइप कीजिए, क्योंकि कुछ स्वाइप्स नॉलेजेबल होते हैं।
ऐसा नहीं है कि पहले कभी फ्रंट रनिंग नहीं हुई हो। इसके पहले सेबी ने कई फर्म्स जैसे कि रिलायंस सिक्योरिटीज, IIFL वेल्थ, अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग फर्म और फिडेलिटी ग्रुप जैसी कंपनीज पर फ्रंट रनिंग के मामले में एक्शन ले चुके हैं। अब अगला सवाल ये है कि जब ये चीज एक्सिस म्यूचुअल फंड को फरवरी 2022 में पता चली तो उन्होंने क्या एक्शंस लिए। ये तो हमने बात की कि एक्सिस म्यूचुअल फंड को इन चीजों के बारे में फरवरी में पता चला, लेकिन यहां पर एक्सिस म्यूचुअल फंड ने दो चीजें मिस की। पहला ये कि उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं किया, और दूसरा जिन फंड मैनेजर्स पर यहां पर आरोप हुए थे उनमें जो इन्वेस्टिगेशन चला उसका भी कंक्लूजन अगले 3 महीने में नहीं निकल पाया। जब मनी कंट्रोल ने इसके बारे में न्यूज लिखी तब जाके उन्होंने अगले 2 दिनों में एक्शन ली। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मनी कंट्रोल न्यूज नहीं लिखता तो, और ये दोनों चीजें हमें ये भी बताते कि इस पूरे मामले में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कितनी प्रायोरिटी दी है। अब एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ये जो किया है इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो अपना ब्रांड नेम बचाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इस फील्ड में ट्रस्ट फैक्टर पर ही सारी चीजें चलती है। और दूसरा शायद एक्सिस म्यूचुअल फंड के और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले को एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीईओ नहीं बल्कि एक्सिस बैंक के सीईओ ओवरसी कर रहे हैं। 2019 में भी सेबी ने इसी तरीके के एक फ्रंट रनिंग रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें सेबी ने 19 एंटिटीज को कम्प्लीटली बार्ड कर दिया था, जिसमें रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर्स और उनसे लिंक्ड एंटिटीज थी। बात ये थी कि इन डीलर्स के पास टाटा एब्सोल्यूट रिटर्न फंड के बाय और सेल ऑर्डर के प्रायर एक्सेस थे, जिसके चलते कुछ डीलर्स फंड से पहले ही अपने पर्सनल ऑर्डर्स प्लेस करते थे। फिर इसी दौरान सेबी के इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम ने मीना वीरा नाम के एक डीलर के अगेंस्ट में कुछ फ्रंट रनिंग ट्रेड्स के अलर्ट दिखे जो कि टाटा एब्सोल्यूट रिटर्न फंड से लिंक्ड थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मीना वीरा हर्षल वीरा की मदर है और हर्षल वीरा रिलायंस सिक्योरिटीज के एक डीलर। तो सेबी के इस इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए ये पूरा रैकेट बाहर आया और सेबी ने उन 19 एंटिटीज को बैन कर दिया। अब ये चीज कितनी अजीब थी ये आपको स्क्रीन पर पता चलेगा। हर्षल वीरा के फ्रंट रनिंग कनेक्शंस का सेबी ने एक डायग्राम पब्लिश किया और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग इस फ्रंट रनिंग स्कैम में इन्वॉल्व थे। अब जो भी लोग फ्रंट रनिंग के केस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पेनल्टी लगाई जाती है सेबी की तरफ से। ये पेनल्टी 25 करोड़ रुपए या फिर प्रॉफिट के 3 गुना, इसमें से जो भी ज्यादा है उतनी होती है। अब जैसे ही ये न्यूज बाहर आई वैसे ही लोगों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालना शुरू किया और अगले 2 से 3 दिनों में ही माना जा रहा है कि करीब 18,000 करोड़ रुपए एक्सिस म्यूचुअल फंड से निकाले गए हैं। अब जहां तक इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल अमाउंट की बात है, यानी जो भी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की है उसकी बात है, तो उस अमाउंट को कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस आपके रिटर्न्स को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा। लेकिन बात यहां पर सिर्फ रिटर्न्स की नहीं है, जब पैसों की बात आती है तो ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि अप्रैल 2020 में जब फ्रैंकलिन टिम्पलटन ने अपनी 6 डेट स्कीम्स रिडेम्पशन और लिक्विडिटी प्रेशर के चलते बंद की थी, उसमें ताज्जुब की बात यह थी कि फ्रैंकलिन टिम्पलटन के एशिया पैसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हेड विवेक कुडवा और उनकी फैमिली ने ये सारा मामला बाहर आने से पहले ही अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ की थी। और फिर जब फंड मैनेजर्स जिन लोगों ने उन पर ट्रस्ट करके पैसा उनके पास रखा है उनके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ खुद के सोचते हैं, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर को अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। अब इस पूरी चीज का इन्वेस्टर्स पर एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने के बाद ही पता चलेगा। और जहां तक फ्रंट रनिंग जैसे मामलों से बचने की बात है तो उसके लिए बेस्ट टूल है इंडेक्स फंड, क्योंकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लगभग पब्लिक होती है। जैसे इंडेक्सेस में चेंजेस होंगे उसी तरह का पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड का बनाया जाता है, तो वहां पर ये रिस्क उतनी नहीं होती। और जहां तक बात है एक्सिस म्यूचुअल फंड की, तो अगर ये सारी चीजें सही साबित होती है तो सवाल हमेशा यही खड़ा रहेगा कि जब तक मनी कंट्रोल ने आर्टिकल पब्लिश नहीं किया था उससे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बताई। इन्वेस्टर्स छोड़िए, सिर्फ उन 2 म्यूचुअल फंड जिन जिन स्कीम्स को मैनेज कर रहे थे उनके इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बताई। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आणि वीडियो आवडल्यास चॅनलला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा नक्की क्लिक करा।